पेशेंट लेके अलिए जाए नहीं बन रहे डिलीवरी लेके परेशान में पड़ रही डिलीवरी पेशेंट लेके आए हैं जाने का जो है बहुत रास्ता नहीं है एकदम कैसे के जेते डिलीवरी कैसे जाएगा पानी में हिल पानी भरल है लेब हॉस्पिटल तो भरल है तो कैसे जाएगा भीतर इसलिए आप आए हैं हम तो डिलीवरी लेकर आए हैं डिलीवरी लेकर आए हैं जल जमा पूरा है कैसे आते हैं आते जाते कैसे क्या कर मजबूरी है हम लोग के आना पड़ता है मजबूरी है ना सरकार के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रभारी के यहाँ को मैनेजर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा हम लोग तो मजबूरी में ढूक के आते हैं पानी इतना हो गया साफ पानी हम साफ करावेंगे कि यहाँ के पदा प्रतिनिधि करवाएंगे मीडिया वाला है तो आप ही कुछ करिएगा तब ना होगा आप ही तो कुछ कीजिएगा ना माने हमसे भरोसा है जी नेता से भरोसा नहीं है नेता से नहीं है मोहल्ले में रहते हैं आप नहीं यहाँ नहीं रहते हम पास आए हैं यहाँ किस लिए यहाँ आए हैं यहाँ आए हैं दिखाने के लिए और अस्पताल आए हैं हाँ जी अच्छा तो अस्पताल आने में ये सब जो है समस्या है जल पानी भरा हुआ है सर इसमें सरकार कुछ करने नमस्कार मैं हूँ गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स और आज मगध टाइम्स की टीम नवादा के रोह प्रखंड पहुंची है और देख सकते हैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये भवन है और भवन के आगे देख सकते हैं जल जमाव जो है यहाँ के लोग कैसे अस्पताल में जाते हैं इलाज कैसे कराते होंगे बड़ी समस्या होगी क्योंकि जल जमाव है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वातावरण कहीं कहीं ये पर्यावरण जो है वो ये दूषित होती है और कहीं कहीं ये गंदगी के कारण रोग बीमारी भी पनपेगी कई लोग यहाँ मौजूद हैं क्या दादा यहाँ पर मौजूद हैं हॉस्पिटल में हाँ मौजूद है ये इलाज करवाने के लिए आए हैं तो ये कैसा स्थिति बना हुआ है जल जमा पूरा तो पूरा जल जमा है तो ऐसा हॉस्पिटल रहता या ऐसा ऐसा हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए नहीं किसका जिम्मेवारी मानते हैं जिम्मेवार किनका मानते हैं किनका जिम्मेवारी मानते हैं सरकार ने ऐसे करेगा सरकार दोषी है देखिए महिला है और इलाज करवाने के लिए आए हैं क्या करने के लिए आप आए हैं पैसा खाली अथी करो एगो हॉस्पिटल है लेके तो जगह नहीं कोई ये बताइए आप क्या कर रहे हैं किस लिए आए हैं पेशेंट लेके अलिए जाए नहीं बन रहे डिलीवरी लेके परेशान में पड़ रही डिलीवरी पेशेंट लेके आए हैं जाने का जो है बहुत तो रास्ता नहीं है एकदम कैसे के जेते डिलीवरी कैसे जाएगा पानी में हिल पानी भरल है लेब हॉस्पिटल तो भरल है तो कैसे जाएगा भीतर बोलिए इलाज कराने के लिए आप आए हाँ बात नहीं किए हैं यहाँ से पदाधिकारी से कि कैसे आए सर कोची कहते हैं सर कहता है कि बोले इसने इसने हॉस्पिटल बना दिया है रोह में फैब्रिक की रोह में अच्छा जिम्मेवार किनको मानते हैं इनका मान लिए जिम्मेवार मतलब आखिर इनके दोषी कौन है किनके कारण ये हो रहा है अरे ठेकेदार के अथी के आप के चलिए तो देखिए महिला हैं और ये इनका समस्या लेकर आए हैं डिलीवरी पेशेंट लेकर और देखिए छोटे छोटे युवा लोग हैं ये भी जो है हेल कर आ रहे हैं पानी साफ करवाइए क्या बाबू पानी साफ करवाइए जल्दी से पानी इतना हो गया साफ पानी हम साफ करावेंगे कि यहाँ के पदा प्रतिनिधि करवाएंगे मीडिया वाला है तो आप ही कुछ करिएगा तब ना होगा आप ही तो कुछ कीजिएगा ना माने हमसे भरोसा है जी नेता से भरोसा नहीं है नेता से नहीं है कई लोग हैं नेता से भरोसा नहीं है लेकिन मीडिया वाले से भरोसा है और जब भी आएंगे तो देख सकते हैं हम खाली पैर हिले हैं देखिए महिला हैं ये भी जा रहे हैं इसी मोहल्ले में रहते हैं आप नहीं यहाँ नहीं रहते हम पास आए हैं यहाँ किस लिए यहाँ आए हैं यहाँ आए हैं दिखाने के लिए और अस्पताल आए हैं हाँ जी अच्छा तो अस्पताल आने में ये सब जो है समस्या है पानी भरा हुआ है सर इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकता है सरकार कुछ है बनाने के लिए बोलिए नल्ला वल्ला इधर पानी हिल जाता है कितना परेशानी है तो आपके नेता क्या करते हैं जनप्रतिनिधि क्या करते हैं क्या करते हैं वो लोग जाने हम लोग क्या नहीं करें हम लोग लेडीज है क्या बोल सकते हैं क्या बोलेंगे क्योंकि ये क्या बोलेंगे आम लोग हैं और इनकी बातों को कौन सुनता है लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों को जो है ध्यान देना चाहिए देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है और महिला है किस लिए आप आए हैं हम तो डिलीवरी लेकर आए हैं डिलीवरी लेकर आए हैं आपका जल जमा पूरा है कैसे आते हैं इसमें आते जाते कैसे क्या कर मजबूरी है हम लोग के आना पड़ता है मजबूरी है ना सरकार के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रभारी के यहाँ को मैनेजर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा हम लोग तो मजबूरी में ढूक के आते हैं आप तो कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं तो व्यवस्था तो देख ही रहे ना क्या व्यवस्था सरकार बना के दी है यहाँ हम लोग की कितना परेशानी होता है मरीज लाने में अच्छा आप जॉब करते हैं इसी में आशा है लेकर आए हैं ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात कितनी होती है यहाँ देखने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं अस्पताल सब आके घूर घूर के चल गए हैं यहाँ जो जितना यहाँ के पदाधिकारी है कौन पदाधिकारी यहाँ के यहाँ तो जो है प्रभारी सर है वो भी घूर के चल गए सब तो घूर घूर के यहाँ के चल गए तो हम लोग के कुछ है हम लोग से बड़ा पद है उन लोग का तो उनका पदाधिकारी यहाँ आए थे
सब आके चल गए, मतलब हिलने से पहले ही चल गए घूम के सर। हाँ सब वहीं से तो घूम घूम के चल गए सर। समझ सकते हैं प्रभारी आते हैं और देख के जो है चले जाते हैं, और उनका जो है समस्या जो है दिखाना चाहिए, समस्या के लेकर परी पदाधिकारी से बात करना चाहिए, फंड की मुहैया कराना चाहिए और इसको जो है जल निकासी का कार्य करना चाहिए, क्या दादा? हाँ हाँ जी, देखिए ये हॉस्पिटल है, ये तो जमुना जी बन गया है पूरा। देखिए क्या, देखिए माता राम जो है वृद्ध हैं और आ रहे हैं, और देखिए तो जो वैक्सीन पड़ता है, सुई हुई पड़ता है, ये भी रास्ता पर फेंका हुआ है, कई जगह हम देखेंगे, हो सकता है पैर में भी जो है घुस जाए, क्या मामा? हाँ। तो ये स्थिति है, क्या दादा किनको जिम्मेवार मानते हैं आप? यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो नहीं चाहिए। कैसे दूर होगा सर? कैसे दूर होगा, दूर तो हम नहीं करेंगे ना, दूर तो आपके नेता करेंगे ना, वोट देते हैं नेता को जी, तो नेता से मिलना चाहिए, नेता को समस्या दिखाना चाहिए, क्या नेता जी को नहीं दिखता है समस्या? क्या नहीं दिखता है? अंधा हो गया है। आप अस्पताल जा रहे हैं जी इलाज करवाने के लिए जी, क्या कुछ बीमारी है क्या? जी हाथ में है इसका, हम तो दिखा लिए हैं। अच्छा। इनका जांच लिखा तो जांच लिखा जा रहे हैं, तो देख सकते हैं ये जब भी जाएंगे, और अस्पताल इधर है, और अस्पताल जाइएगा तो देखिएगा कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, आगे आगे जाइए, आगे आगे जाइए बंधु, देखिए कैसे लोग जाते हैं। और यदि बात करें तो भर भर टेहुना पानी लगेगा, और लगता है कि नदी आप पार कर रहे हैं, नहर पार कर रहे हैं, और नहर की स्थिति ऐसा बना हुआ है, जल जमाव है, और इसको जो है निकासी का कार्य करना चाहिए पानी का, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी जो हैं बिल्कुल सुस्त हैं, और महिला के द्वारा जो आशा थी आरोप लगाया जा रहा था, चूँकि आरोप क्या ये सत्य है कि वो देख कर जो है वरीय पदाधिकारी चल जाते हैं। देखिए क्या स्थिति है यहाँ की, हाल जो है रोह प्रखंड का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और देखेंगे यहाँ कई लोग हैं मौजूद हैं, और देखिए अभी तक ये, चूंकि अभी पहला ये समस्या नहीं है, चूंकि हर एक वर्ष यही होता होगा, भवन तो बढ़िया बना हुआ है लेकिन भवन के बाद यदि बात करें तो वो व्यवस्था नहीं है, जल निकासी का व्यवस्था नहीं है, आखिर पानी कहाँ निकलेगा, कैसे लोग आएंगे, और ये बीमारी जो है भगाता हॉस्पिटल जो है बीमारी जो है वो ठीक करती है, लेकिन कहीं कहीं एक बगल में देखेंगे तो बीमारी का जो है अंबार लग जाएगा। देखकर देखिए डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, इलाज चल रहा है, और हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे डॉक्टर साहब को, लेकिन सवाल तो बनता है आखिर ये अपने डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं जी, बोला जाए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर सतीश कुमार। अच्छा, यहाँ पे आप कार्यरत हैं? जी हाँ। अच्छा, ये सब व्यवस्था जो है जल जमाव का मामला है, ये सब को लेकर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं? सर हम लोग तो अपना ड्यूटी करते हैं, बाकी ध्यान देने के लिए हमारे प्रभारी सर हैं, मैनेजर हैं, यहाँ प्रभारी से बातचीत करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए, और वो वरीय पदाधिकारी को अवगत कराएंगे। हैं सर, प्रभारी को पता है? पता है बिल्कुल, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे? नहीं, प्रभारी आज छुट्टी पे है, छुट्टी पे है। हाँ। आज छुट्टी पे है ना जी, कल तो आएंगे ना? कल बिल्कुल आएंगे। आते जाते हैं आप लोग को भी समस्या झेलनी पड़ती हो रही है? बिल्कुल समस्या हो रही है, पानी में हेल के आना पड़ता है, इतना दूर पानी पानी। इनको जिम्मेवार मानते हैं सर? सर बारिश का जिम्मेवारी तो किनको माने, बारिश तो नेचर का देन है, लेकिन अब हॉस्पिटल का बनावट ऐसा है कि यहाँ पानी लग जाता है, अब निकालने की व्यवस्था हो तो ना, है ना? बारिश तो नेचर है जी, लेकिन निकासी का व्यवस्था जब इतने बड़े संस्थान आप बनाए हैं, अस्पताल बनाए, तो सर ये सारे सवाल प्रभारी सर अगर जवाब देना तो ज्यादा सुटेबल होगा, हम लोग उनके अंडर में काम करने वाले हैं। तो ये डॉक्टर सतीश कुमार थे, और इन्होंने बताया, क्योंकि ये भी यही समस्या से गुजर कर आते हैं, पानी में हेल कर आते हैं, और ये जो है अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ससमय जो उपस्थित रहते हैं, और इनका जो काम है करते हैं, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के प्रभारी महोदय को ध्यान देना चाहिए, और वरीय पदाधिकारी जिलाधिकारी स्तर पर बात करना चाहिए, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं मोहम्मद कामरान जी, चूँकि जनता आपको बहुत उम्मीद से वोट दिया था, और आप अच्छे नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है, और ऐसे संस्थानों के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे साथ में आप मीटिंग कीजिए, जो समस्या हो जर समस्या को जानने का प्रयास कीजिए, और कैसे निष्पादन हो ये करना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, ना कि वह जनप्रतिनिधि जो हैं क्षेत्रों से आप फरार रहेंगे, भागेंगे तो कैसे समस्या कैसे निष्पादन होगा, आम लोग जो हैं त्रस्त हैं, यदि पानी में हेल कर जाते हैं, देखिए कई लोग हैं दिखलाने के लिए आए हैं, नहीं नहीं हम स्टाफ हैं, प्रचारी हैं। अच्छा, प्रचारी हैं, तो हिल कर आते हैं पानी? हाँ, पानी में इतना पानी, कल तो पानी भर ठेहुना से ऊपर पानी निकलता, कल एक ठेहुना से ज्यादा पानी था।
तो ये सब समस्या बताते नहीं है तो प्रभारी तो आज नहीं है तो उनको आज नहीं है ये आज का मामला नहीं है ना हर साल कुछ ये तो हर एक साल मामला होगा आखिर क्यों नहीं ये सब समस्या से क्यों नहीं निष्पादन हो सकता है क्यों नहीं निकलते हैं समस्या से बड़े पदाधिकारी भी सोचना चाहिए तो देख सकते हैं ये रो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे। बिहार की सरकार लगातार गाल बजाती है स्वास्थ्य के लेकर जो है बड़े बड़े जो है फरमान जारी होती है और गाल बजाती है कि हम ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र का हाल क्या है। व्यवस्था तो ठीक है डॉक्टर साहब तो मौजूद हैं है ना कर्मी मौजूद हैं लेकिन जो व्यवस्था जो बाहरी व्यवस्था है सो लोग स्वच्छता की दुहाई देते हैं प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।